औरंगाबाद जिले के हसपुरा ब्लॉक के पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैंक के स्टाफ ने किसान के नाम पर 1 लाख रुपए का लोन निकाल लिया। पीड़ित सुरेश पासवान परणपुर गांव के निवासी हैं। सुरेश पासवान ने कभी लोन लिया ही नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक सुरेश पासवान को लोन चुकाने का बैंक का नोटिस आ गया। इस नोटिस में सुरेश पासवान को 1,24,000 रुपए चुकाने का फरमान दिया गया। सुरेश पासवान ने बताया कि बैंक का नोटिस मिलते ही वो सन्न रह गया। सुरेश ने कहा कि बैंक ने जो उसे नोटिस दिया है उसमें ये लिखा है कि साल 2014 में 1 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जो बढ़कर अब 1,24,000 रुपए हो गया है। नोटिस में पीएनबी ने सुरेश पासवान को चेतावनी भी दी है कि अगर इस राशि को नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर नहीं चुकाया गया तो बैंक उसकी संपत्ति को जब्त कर लेगा। ये नोटिस मिलते ही किसान सुरेश पासवान के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो इस पशोपेश में पड़ गया कि जब उसने बैंक से कोई लोन लिया ही नहीं तो आखिर उसके पास नोटिस पहुंचा कैसे। सुरेश आनन फानन में बैंक पहुंचा, लेकिन पीएनबी के हसपुरा बैंक के स्टाफ ने उसकी एक नहीं सुनी। और कहां गए बैंक के ऊपर अधिकारी के पास? कहां गया? क्या बोले? गया, हम सब कागजात दिखाए हैं, सब फोटो उठो, तो हम बोले कि क्या बात है, तो बोला कि हमारा नाम से लोन हो चुका है लेकिन हम लोन लिया नहीं। और हमारा होते तो हम बोले कि मेरा हिया हुआ हमको अथी है, हमारा नाम है, हमारे पिताजी का नाम है, हमारा रसीद अथी निवासी लगा है और एलपी से बनाकर लोन ले लिया। बाद में जब सुरेश ने फिर अपना दुखड़ा बैंक के स्टाफ को सुनाया तब अधिकारियों ने सुरेश के दस्तावेज निकाले। दस्तावेज निकालते ही पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड पर फोटो किसी बुजुर्ग की लगी है। जब दस्तखत का मिलान किया गया वो भी नहीं मिला। इसके बावजूद पुलिस ने सुरेश पासवान का केस दर्ज नहीं किया। सुरेश का कहना है कि एक गरीब आदमी का दर्द कोई नहीं समझता। क्या बात है? हम कल के बात है कि हमको केस करना है, तो कहाँ, किसको पर? यानी कि बैंक के ऊपर। तो बोलता है कि केस ना लेंगे। हमको कहा ना लीजिएगा केस, देखिए मेरे साथ में अथी बैंक का सब मेरा कागजात है, मेरा पेपर लेके दिया हूँ, कम से कम देख ली तो ले लीजिए। तो बोलता है कि हम बोले कि फिर हम बोले कि एगो भतीजा था, तो भतीजा का कहते फोन लगा दे तनि विधायक जी भैया मोहन शर्मा जी, तो अथी थाना बोलता है कि चाहे जिसको भी फोन लगाओ हम ना लेंगे केस। तो हम अपना भी कहें कि हम मोहन शर्मा से हम मिलकर आए हैं, हाँ कि कैसे ले लीजिए, तो नहीं ले कैसे लिए। इसका बाद में हम आ गए, फिर मैनेजर के हम बोला, मैनेजर का बोला कि कैश तो ले ही नहीं रहे हैं। वो क्या बोला कि केस नहीं लेते हैं तो गया जाओ, जाओ अथी में। फिर हम अपना मतलब से चल गए, कोई साथी से बोला कि जाओ जाओ डीएम भी। यह सुनकर हम गरीब आदमी दौड़ रहे हैं आपका। वहीं पीएनबी बैंक के प्रबंधक एसपी दास ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने शक जताया कि इस मामले में बैंक स्टाफ ने गड़बड़ी की होगी। दास ने कहा कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो लोन देने वाले बैंक के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में हमारे शाखा हसपुरा मुझे कोई खबर नहीं किया है। अभी हमने शाखा हसपुरा से बात किया, बात करने पर यह ज्ञात हुआ कि ये फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड है, संदेहास्पद फ्रॉड है। इसमें अभी हम लोग ने सर अपने मंडल कार्यालय गया को लिखे हैं, गया इसके बाद तहकीकात करके या किसी को भेज के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद उनके एग्रीमेंट, उनके फ़ोटो, उनके एनपीसी को जांच होगी। उसके बाद जांच के बाद ये हम लोग फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे कि हम लोग ये फ्रॉड है, तो उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी जिसने ये लोन स्वीकृत किए। तो आखिर ये माना जा सकता है कि बैंक में इस तरह से कोई कर्मी है जो ऐसा काम कर रहे हैं दलाल? ऐसा हो सकता है कि कर्मी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो इतने संख्या में खाता है कि पता नहीं चलता है। जब ये उजागर आती है, लाइट में आती है, तो हम लोग उसका छानबीन करवाते हैं, और छानबीन के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के आला अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक गरीब किसान सुरेश पासवान को राहत मिल सके। इस मामले में ये भी साफ हो गया कि कैसे बैंक के स्टाफ आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। वक्त ही बताएगा कि सुरेश को राहत मिल पाएगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट।